सुजानपुर पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक आग का गोला बन गया। वहीं ट्रक में लगी आग की चपेट में आकर पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में देर रात सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने के दौरान बिजली के खंभों से टकरा गया, जिससे गैस सिलेंडरों में भीषण आग लग गई। सिलेंडरों में आग लगने से ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक में लगी आग की चपेट में आकर विद्युत पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। वहीं घटना को देख लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंच गई, जहां अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने आसपास के रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया। इस दौरान बाजपुर कोतवाली के एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि देर रात आग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस ने सूचना की दृष्टि को देखते हुए लोगों को घटना स्थल से दूर करवाया और अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए, कल रात को 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर, सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही इसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पर पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी हुई थी। तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसके बाद हमने डीसी को बताया इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद में उस टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी तो उसके टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है और वो स्वयं ही टकरा गई थी, वो बैलेंस बिगड़ने से स्वयं ही टकरा गई थी। देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और चूंकि गैस से भरा हुआ ट्रक था डीसीएम, तो उसको सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था। तो उसके बाद तत्काल ही मौके पे टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को लीकेज करवा दिया गया है और कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं।